फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए अंकल। गाड़ी बंद हो गई क्या भैया? नहीं हुई, चलो बढ़िया है। बस अब गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही है। सो हाय गाइस, माय नेम इज गुरमीत एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ है होप की लाइफ इलेक्ट्रिक स्कूटर और ये जो है फुल चार्ज हो चुकी है। इसके अंदर 72 वोल्ट 21 एएच की बैटरी है जो कि फुल चार्ज हो चुकी है और अब हम जो है इस चार्जर को निकाल देंगे, बंद कर देंगे। बंद करने से पहले मैं आपको एक बार जो है ओडोमीटर दिखा देता हूँ। ऑडोमीटर हो रहा है, 72 वोल्ट की गाड़ी है और 108 किलोमीटर जो है ऑडोमीटर में दिखा रहा है। और मैं बता दूं, इस हम जो रेंज टेस्ट करने वाले हैं वो सेकंड मोड में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड दिखा रहा है, सेकंड मोड में हम जो है रेंज टेस्ट करेंगे और 83 वोल्ट जो है वोल्ट मीटर दिखा रहा है, ट्रिप मीटर जीरो है। चलिए अब आपको मिलते हैं मोटो व्लॉग में। तो दोस्तों टोंक शहर से मैं निकल गया हूँ बाहर और 2.4 किलोमीटर टोटल हो रहे हैं और 80 वोल्ट जो है इसके अंदर अभी दिखा रहा है। तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसके अंदर शो कर रहा है अभी फुल चार्ज से गाड़ी। 80 वोल्ट इसके अंदर दिखा रहा है, 3.6 किलोमीटर की ट्रिप जो है अभी हो चुकी है। और देखो हाथों में हेलमेट पहन रखा है इन्होंने, सर पर पहनना चाहिए जो चला रहा है, कम से कम उसको पहनना चाहिए। और पीछे वाइफ या जो भी हैं उनके रिलेटिव, उनको उन्होंने हाथों में पकड़ा रखा है। मतलब क्या है यार लोग। तो भैया जो रेंज टेस्ट है होप लाइफ का वो शुरू हो चुका है और सेकेंड मोड में हम कर रहे हैं रेंज टेस्ट। बिल्कुल देखते हैं कितना किलोमीटर ये गाड़ी जो है चल पाती है। तो दोस्तों मैं अभी हूँ सोयला बाईपास पे और अगर हम अभी इसके अंदर वोल्ट मीटर की बात करें तो ये दिखा रहा है 78 वोल्ट और अगर हम ट्रिप की बात करें तो दिखा रहा है 10 किलोमीटर की। और अगर हम स्पीड की बात करें तो इसमें शो हो रही है 41 किलोमीटर पर आवर की और काफ़ी हद तक एक्यूरेट है यार। जनरली अभी हमें जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है तो हम इसे एक्यूरेट कह सकते हैं। और दोस्तों सेकेंड मोड में ये जो रेंज टेस्ट है वो हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो GPS स्पीडोमीटर है वो मैंने लगा दिया है मोबाइल के अंदर। हो सकता है मैंने वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया हो, लेकिन मैं आपको बताया तो जब मैं घर से निकला था तब मैंने उसको लगा लिया था ताकि एक्चुअल किलोमीटर जो है हमें पता लग सके कि कितने किलोमीटर गाड़ी जो है टोटल चली है और फिर हम कंपेयर कर लेंगे इसके हमारे जो इसका मीटर है उससे कर लेंगे, ऑडोमीटर से भी कर लेंगे और ट्रिप मीटर से भी कर लेंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं ट्रिप को ज़ीरो नहीं करूँ और इस बार भी वही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ट्रिप को ज़ीरो नहीं करूँ। बाकी दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। और अभी जो है सोयला बाईपास ख़त्म हो गया है और अब जो है आगे चल रहे हैं हम, देखते हैं कहाँ तक चलती है, आपको दिखाते रहेंगे हम, बताते रहेंगे कहाँ कहाँ चल रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं चल रहे हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। To her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her. तो दोस्तों मैं अभी पहुंचने वाला हूं निवाई के एंट्रेंस गेट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो दरवाज़ा है यहां से हम जो है निवाई शहर में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम अभी करेंगे नहीं, हम अभी निवाई बाईपास में चलेंगे। आता टाइम जब हम जो है इधर से बाहर निकलेंगे मतलब निवाई शहर से होते हुए आएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा हमारे लिए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें डिस्प्ले में क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि 75 वोल्ट जो है वोल्ट मीटर में दिखा रहा है, 21 किलोमीटर की ट्रिप जो है इसके अंदर हो चुकी है और 38, 39, 40 की स्पीड जो है रेगुलरली दिखा रहा है। तो भैया रोड पे आपने अजीबोगरीब नमूने देखे होंगे, ये देखो एक और खतरनाक से अंकल हैं और नीचे जो है कट्टा वट्टा है, कुछ सामान है और ऊपर अंकल बैठे हैं बढ़िया, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए अंकल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक तरीके से बैठे हैं अंकल। मस्त हवा चल रही उनके, ऐसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए वो, जोरदार। तो दोस्तों निवाई बाईपास जो है अभी ख़त्म होने वाला है, लेफ्ट लेंगे जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है तो हम जो है निवाई शहर की तरफ एंटर कर जाएंगे। 72 वोल्ट इसके अंदर वोल्ट मीटर में दिखा रहा है, 31 किलोमीटर की ट्रिप जो है इसके अंदर अभी शो हो रही है। एक बार मैं आपसे वहाँ खड़े होकर और बात कर लूँगा। 37-38 की इसके अंदर स्पीड जो है शो हो रहा है, बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर जो है अभी ये चली है, हम जो है देखेंगे। आपको यहाँ रुक के बात करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इसके अंदर दिखा रहा है 73 वोल्ट और 32 किलोमीटर की ट्रिप हो चुकी है, सेकंड मोड पे हम जो है रेंज टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों गूगल मैप के हिसाब से जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हुए हैं
मेरे घर से वो है 34 किलोमीटर की दूरी पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा स्पीडोमीटर है, गूगल GPS स्पीडोमीटर, वो दिखा रहा है 34.92 किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ये जो इसका स्पीडो ओडोमीटर है, हम कहें ट्रिप मीटर है, 32 किलोमीटर जो है दिखा रहा है। देखते हैं टोटल जो है कितना किलोमीटर अब ये और चल पाती है। दोस्तों यहाँ से अब हम जो है चलते हैं निवाई शहर की तरफ। अभी निवाई शहर के अंदर हम चलेंगे। ये जो है चाकसू की तरफ से हम आते हैं तो ये जो है एंट्री गेट हो जाता है निवाई के लिए, और वनस्थली मोड़ पहले आएगा, बेसिकली निवाई शहर तो बाद में आएगा। तो ये जो गाड़ी है ना, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करवाती है यार। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियों की अगर हम बात करें ना, मतलब इसकी जो प्राइस है 70-71,000-72,000 लगभग है ऑन रोड। 70 अभी एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है रिव्यू वीडियो में आपको बता दूंगा, तो 72,000 मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लेते हैं। तो इस प्राइसिंग में ना, अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ मैंने चलाई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी है, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है इस गाड़ी को चलाने में मुझे आ रहा है। तो अभी अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूँ तो वोल्ट मीटर दिखा रहा है 72 वोल्ट, और स्पीड हमें मिल रही है 38 किलोमीटर पर आवर की। सेकेंड मोड पर जो है रेंज टेस्ट हो रहा है बेसिकली, और 32 किलोमीटर की ट्रिप इसके अंदर शो कर रहा है ये। इसका जो ऑडोमीटर है ना, थोड़ा सा पीछे चलता है, मतलब जैसे आपने देखा कि 35 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल मैप वगैरह में भी, और अभी जो है 33 हुआ है, तो थोड़ा सा पीछे ही है, बाकी कोई बात नहीं है। स्पीडोमीटर ठीक है इसका, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दो का अंतर है तो चलता है। यहाँ पे भैया रास्ते जो है निवाई शहर के अंदर के थोड़े से ख़राब हैं, तो यहाँ से राइट अगर हम जाएंगे तो आ जाएगी वनस्थली विद्यापीठ, और इस जगह को कहा जाता है वनस्थली मोड़, और सीधा हमें चलना है बेसिकली निवाई। अगर जाना है तो सीधा चलना होता है, तो हमें चलना है सीधा, ताकि हम निवाई से होते हुए चले जाएंगे टोंक। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि इस गाड़ी ने मुझे जो है टोंक से पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन सेकेंड मोड में मुझे लगता है कि जो गाड़ी है टोंक पहुँच जानी चाहिए ईजिली। देखते हैं कितना किलोमीटर चल पाती है, बने रहिएगा साथ में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस ऐसे ही रेंज टेस्ट के, इलेक्ट्रिक गाड़ी के रिव्यू के, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर मैं वोटो ब्लॉग भी करता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोज़ जो हैं, कार पर वीडियो भी बनाता हूँ मैं, तो ऐसे वीडियोज़ जो हैं आपको देखने को मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे इतने ही नैरो रोड्स हैं, जैसे निवाई हो गया, देवली हो गया, टोंक हो गया, ज़्यादा ओपन रोड्स नहीं है, मतलब जैसे JLN रोड अगर हम कहें जयपुर का, तो इतने ओपन रोड्स नहीं है जहाँ आपको स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर तक चल जाएगी, तो ये जो स्कूटर है काफ़ी बढ़िया है, सिटी में ओवरटेक करने के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ तक कि सेकेंड मोड में भी आप जो है, जैसा कि अभी मैं इन भैया को ओवरटेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी सही है यार इसका पिकअप वगैरह। 72 वोल्ट की बैटरी है, 1200 वोल्ट की इसमें मोटर दी हुई है, 2000 वोल्ट का इसमें पीक पावर है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये गाड़ी। बाकी देखते हैं टोटल कितना किलोमीटर चलेगी। अगर मैं अभी वोल्ट मीटर की बात करूं तो 71 वोल्ट इसमें दिखा रहा है, 37 किलोमीटर की ट्रिप जो है इसके अंदर हो गई है, 37-38 किलोमीटर के टॉप स्पीड जो है ये दिखा रहा है फिलहाल। बाकी दोस्तों निवाई शहर में अभी हम हैं, तो सिटी प्लस हाईवे का जो है एक तरह से मिक्स थोड़ा सा रेंज टेस्ट हो गया, और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि यार हर तरह के रोड कंडीशन में ट्राई करूँ। पहले क्या था ना, इधर जो रोड है बन रहा था पे, तो जो कच्चा था पूरा, तब जो है ऑफ रोड भी हो जाता था, लेकिन अभी जो है वैसे तो काफ़ी सारे ऑफ रोड होते हैं, जैसे छोटे छोटे पेज होते हैं तो हो जाता है, सस्पेंशन वगैरह फील हो जाते हैं, पता लग जाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बाकी दोस्तों अभी हम जो है अहिंसा सर्कल पहुँच चुके हैं निवाई शहर के, और यहाँ से होते हुए हम जो है बस स्टैंड जाएंगे, फिर बस स्टैंड से हम जो है जो NH12 है हमारा, जहाँ जो हमें टोंक लेकर जाएगा वो हम पकड़ लेंगे, ताकि हम घर पहुँच सकें। और ये जो एरिया है काफ़ी भीड़ वाला एरिया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं रोंग साइड से भी जो है, रोंग साइड तो क्या कहें, बेचारे के पास जगह ही नहीं है तो इधर से ही आएगा ना, देखिए अभी इसको रोंग साइड थोड़ी कह सकते हैं, वहाँ तो रास्ते तक जो है बाइकें लगा रखी हैं। भैया कहाँ जाना चाहते हो? तो ये जो है बस स्टैंड है निवाई शहर का, और ये वाला जो पोर्शन है ना भैया, ये काफ़ी दिनों से जो है ख़राब कंडीशन में है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी पत्थर वगैरह हैं, और मतलब बस पूछो मत, ये सेक्शन तो ऑफ रोड वाला सेक्शन है ये,
गाड़ी बंद हो गई क्या भैया? नहीं हुई, चलो बढ़िया है। हेलमेट देखो इन्होंने कहाँ लगा रखा है नीचे। अब चाहे कैसा ही हेलमेट हो ये, अंदर का जो मुझे लग रहा है अंदर का जो इसमें होता है ना जो थर्मोकोल लगा होता है वो जो है निकल चुका है, बस ये ऊपर का शेल शेल बचा हुआ है। और इसके मिरर देखो, इसका जो मिरर है ये राइट हैंड साइड वाला ऊपर की तरफ जो है इसने फेस किया हुआ है। तो भैया ऊपर किसको देख रहे हो यार? अजीब अजीब नमूने मिल जाते हैं रोड पर हमें, गजब है लोग। क्या होगा भैया क्या होगा? तो एक काम करते हैं, आपसे हम मिलते हैं अब नेशनल हाईवे पे, वहीं बातें करेंगे। तब तक आप म्यूजिक सुनो। Once you taste it, you can now replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. तो दोस्तों मैं अभी जो है निवाई का जो सिटी एरिया है क्रॉस करके पहुंचने वाला हूं नेशनल हाईवे पे। सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, गेट दिख रहा है, जो हमने वीडियो में शुरू में आते वक्त जो है बात की थी कि ये एंट्री गेट है, यहीं से हमें आपसे एग्जिट करना है। और जब हम टोंक से आते हैं अगर निवाई आना है तो ये एंट्री गेट हो जाता है, अगर हम निवाई से बाहर जाना है टोंक की तरफ तो भैया ये जो है एग्ज़िट गेट हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ से हम जो है राइट ले लेंगे तो हम टोंक पहुँचना है हमें, क्योंकि राइट लेंगे तो ही टोंक आएगा। बाकी NH 12 पे हम जो है पहुँचने वाले हैं, जो NH 12 जो है आपको हाईवे है, अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाईवे है ये है कोटा जयपुर हाईवे NH 12। और काफ़ी रश है अभी, आराम से निकलते हैं, आराम से क्रॉस करेंगे। हमारे साथ वैसे काफ़ी सारे लोग हैं क्रॉस करने के लिए। सामने पीछे से जो है ट्रक आ रहा है, ट्रक के पीछे कोई नहीं है, ट्रक के पीछे कोई नहीं है, चलो बढ़िया है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं NH 12 पर, और अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं इसमें तो दिखा रहा है 71 वोल्ट, अगर मैं ट्रिप मीटर की बात करूं तो इसमें दिखा रहा है 41 किलोमीटर, और अगर मैं स्पीड की बात करूं दोस्तों 37-38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसके अंदर शो कर रहा है। कभी 37 होता है, कभी 38 भी हो जाता है, ये अभी अंदर जो है 38 दिखा रहा था। वो थोड़ा सा चढ़ाई थोड़ा ढलान उसके हिसाब से जो है मेंटेन होता रहता है। सेकेंड मोड में बेसिकली हम जो है रेंज टेस्ट कर रहे हैं जो कि बढ़िया बात है। थर्ड मोड में तो हम कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखिएगा वीडियो को। तो दोस्तों अभी मैं हूँ सोयला बाईपास पे, और अगर मैं बात करूँ हमारे डिस्प्ले की तो इसमें दिखा रहा है 70 वोल्ट जो है वोल्ट मीटर शो कर रहा है। 52 किलोमीटर की जो है हमें इसमें ट्रिप दिखा रहा है। 37-38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसमें रेगुलरली शो कर रहा है। और बाकी सेकेंड मोड पर हम चल रहे हैं। बाकी दोस्तों थर्ड मोड में जो मैंने टेस्ट किया था उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं टोंक, मतलब ये वाली जो पुलिया है इसके नीचे से हम जाएंगे तो छावनी आ जाएगा। छावनी में जो है होप इलेक्ट्रिक का शोरूम भी है, लेकिन अभी भैया गाड़ी के अंदर बैटरी बची हुई है, 69 वोल्ट अभी दिखा रहा है, और 60 किलोमीटर की जो है ट्रिप हमारी हो चुकी है, और 36-37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हमें रेगुलरली देखने को मिल रही है इसके अंदर। बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर और ये चलती है। वैसे अगर हम बात करें 72 वोल्ट 21 AH बैटरी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रेंज अभी तक ये निकाल रहा है, मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। दोस्तों जिस ब्रिज पर अभी हम चल रहे हैं ये है बस स्टैंड वाला ब्रिज, मतलब कि बमोर रोड वाला जो ब्रिज है ओवर ब्रिज, उस पर अभी हम चल रहे हैं। लेफ्ट जाते हैं ना यहाँ से सीधा बमोर बनेठा वगैरह निकल जाते हैं, और अगर राइट जाना है हमें तो हमारा जो बस स्टैंड है वो आ जाता है, जो टोंक का बस स्टैंड है वो आ जाता है इस वाले रास्ते से। और अभी प्यारा सा सनसेट जो है हो रहा है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ डाडा हिंद टोंक से, ये थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं, और थोड़ी ही आगे जो है टोल टैक्स भी आने वाला है, वहाँ से मैं जो है यू टर्न लेने वाला हूँ। तो 67 वोल्ट हो गया है और 67 किलोमीटर हो रहा है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें शो कर रहा है, देखते हैं कितना और ये चल सकती है।
और अभी हम पहुंच चुके हैं टोल टैक्स पे, जो कि टोंक से देवली के जाते हुए जो है फर्स्ट टोल ये आता है, और आगे से हम यू टर्न लेके आए हैं। टोल को बिल्कुल पूरी तरह से हम जो है क्रॉस करने वाले हैं, टोल के पहले क्रॉस नहीं करेंगे, टोल के बाद हम जो है यू टर्न लेंगे। तो भैया काफ़ी अच्छी रेंज अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी की है, बाकी यहाँ से हम जो है यू टर्न ले लेते हैं। ये तो टोल गेट है और टोल गेट के आगे से हम जो है यू टर्न ले रहे हैं। ब्रेकर ब्रेकर। तो दोस्तों यू टर्न मैंने ले लिया है, अब वापस मैं जो है टोंक की तरफ जा रहा हूँ। और अगर हम बात करें इसके अंदर स्पीड वगैरह की, डिस्प्ले में क्या क्या दिखा रहा है आपको बता देता हूँ। तो हमें वोल्ट मीटर शो हो रहा है 66 का, किलोमीटर शो हो रहे हैं, ट्रिप जो है बेसिकली वो शो हो रही है 69 किलोमीटर की। मैंने एक बार भी जो है ज़ीरो नहीं की है, ब्रेक नहीं लिया है, और इस एफर्ट को आप जो है लाइक कर सकते हैं बिल्कुल, वीडियो को एक जो है थम्स अप दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बता देते हैं कि डिस्प्ले में क्या शो हो रहा है। बेसिकली 62 वोल्ट अभी जो है वोल्ट मीटर दिखा रहा है, 73 किलोमीटर जो है हम आ चुके हैं ट्रिप के हिसाब से, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हमें मिल रही है देखने को, 60 वोल्ट इसके अंदर शो हो रहा है, 74 की ट्रिप हो चुकी है। ओ माय गॉड, मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। और भैया हमने जो है जब सूरज था, मतलब 4:30 बजे के आसपास मैंने जो है रेंज टेस्ट को शुरू किया था शाम को, और भैया सूरज अभी ढल चुका है तो सनसेट एकदम हो चुका है। 59 वोल्ट इसके अंदर शो कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर हो गया है 57 वोल्ट जो है इसके अंदर शो हो रहा है। और इन भैया ने ना हमें रिकॉर्डिंग वगैरह करते देख जो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है कम कर दिया, इन्होंने काफ़ी तेज़ आवाज़ में जो है गाने चला रखे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा ना कि ये भाई कुछ कर रहा है तो उन्होंने जो है अपनी जो वॉल्यूम है कम कर दी, कितनी अच्छी बात है। तो 57 वोल्ट अभी ये जो है शो हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो कट है वो सोनवा वाला कट है, नगर नैनवा वाला कट है ये वाला, यहाँ से नगर नैनवा जा सकते हैं, नगर फोर्ट जा सकते हैं। 57 वोल्ट जो है इसका वोल्ट मीटर दिखा रहा है, 22 की स्पीड हो चुकी है बेसिकली, 75 किलोमीटर की ट्रिप जो है इसके अंदर शो हो रही है। सेकेंड मोड पे दोस्तों हम ये रेंज टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं अब ये जो गाड़ी है कितना किलोमीटर और चलती है। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि ये बैटरी जो है ख़त्म हो जाएगी, और थोड़ी दूर रह गया हमारा घर यार, 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, 1 किलोमीटर तो ये चल जाती है ऑन ऑफ करके चल जाती है। तो मुझे घर जाने में मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ खास प्रॉब्लम आने वाली है। 18 की स्पीड हो चुकी है, 57 वोल्ट इसके अंदर शो हो रहा है, और 75 किलोमीटर की ट्रिप जो है ये दिखा रहा है। तो वोल्ट मीटर के हिसाब से 63-62 पे ही आप जो है इतना पास हो सके आप घर के पास जो है पहुँचने की कोशिश करें। फ्लाईओवर तो इस स्पीड में नहीं चढ़ेगी, तो मैं जो है नीचे से जाता हूँ, फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ेंगे, वरना हमें जो उतरना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम भैया खुद ही चढ़ाएंगे, इस स्पीड में तो चढ़ेगी नहीं फ्लाईओवर। तो देखते हैं कितना किलोमीटर और चल पाती इस स्पीड के अंदर ये वाला जो फ्लाईओवर है, ये सवाई माधोपुर वाला फ्लाईओवर है, माधोपुर फ्लाईओवर, यहाँ से राइट जाते हैं तो माधोपुर वाला रोड आता है, आते टाइम हम यहीं से आए थे और जाते टाइम यहीं से जा रहे हैं। तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है इसके अंदर, और भैया काफ़ी धीरे जो है हम चल रहे हैं, एकदम रेंगते हुए चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इस तरह के ना एकदम एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज टेस्ट वीडियो जो है आज चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको कन्फ्यूज़न है ना आपको, तो ज़रूर हमसे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके जो जवाब हैं, क्या कोई कन्फ्यूज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में आपको आ रहा हो, तो उसका जवाब जो मैं दे पाऊँगा ईजिली, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गाड़ियों के रिव्यू वीडियो किए हैं, रेंज टेस्ट वीडियो किए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, आप जो है जाकर चेक कर सकते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसके अंदर दिखा रहा है, और काफ़ी कम जो है ये हो चुकी है, 57 वोल्ट इसके अंदर शो हो रहा है, 75 किलोमीटर की ट्रिप जो है ये दिखा रहा है, और काफ़ी धीरे चल रहे हैं यार हम, इसीलिए ट्रिप जो है आगे नहीं बढ़ रही है, इतना रेंगते हुए चलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगी। एक्चुअल रेंज में आपको बताता हूँ अभी मोबाइल के अंदर कितनी आई है, क्योंकि भाई साहब काफ़ी चल रही है हम यार, इसके हिसाब से 75 चल रही है, तो मुझे लगता है कि 80 किलोमीटर के ऊपर की जो है रेंज हमें मिली है इसके अंदर, जो कि काफ़ी बेहतरीन रेंज होगी। एक्चुअल में कितनी है अभी थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा जब ये जो है बंद हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि 7 की स्पीड में तो कौन चलाता है यार, तो मुझे इसकी जो है आपको रेंज बता देनी चाहिए यहाँ रोक के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रेंगते हुए जो है जितना चल जाए ये स्कूटर उतना चल जाए, वरना फिर पैदल तो मुझे घर लेकर ही जाना है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है सवाई माधोपुर का, और टोंक जाना है तो हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। टोंक इधर लेफ्ट जाएंगे ना तो सवाई माधोपुर सर्किल आ जाएगा, डिपो वगैरह आ जाएगा टोंक शहर का, टोंक शहर का क्या बस डिपो आ जाएगा। और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई यार, अब तो मतलब कुछ ज़्यादा ही रेंग रही है गाड़ी। थर्ड जब हमने थर्ड मोड में रेंज टेस्ट किया था ना तो एकदम ये जो है डिस्प्ले एकदम उड़ गया था, मतलब उड़ी जाने का मतलब है ख़त्म, बंद दिखना बंद हो गया था कुछ इस तरह से, बैटरी एग्जॉस्ट हुई थी। लेकिन सेकेंड मोड में ना ये धीरे 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 आपको घर पहुँचा देगी, एकदम से जो है बंद नहीं होगा इसका ये डिस्प्ले है, और गाड़ी जो है एकदम से बंद नहीं होगी, तो ये अच्छी बात है। सेकेंड मोड में ये कंपनी कहती है कि आपको सेकेंड मोड में चलाना चाहिए अगर आपको अच्छी रेंज निकालनी है तो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थर्ड में भी चलाते हो तो थर्ड की जो रेंज आई है उसका वीडियो जो है वहाँ है, आप देख सकते हैं। और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है भैया, अब तो हमें रोकना पड़ेगा। बस अब गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं थ्रोटल खींच रहा हूं लेकिन गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही है। तो भैया 71 की आ गई स्पीड, तो भैया गाड़ी यहां हम रोक लेते हैं और आपको बताते हैं कि कितने किलोमीटर जो है ट्रिप हुई है। ट्रिप हो गई है इसके अंदर 75 किलोमीटर की, और आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि हमारी जो GPS स्पीडोमीटर है उसके अंदर जो है ट्रिप किया, जैसे ही आप देख रहे हैं मैं रिकॉर्डिंग जो है इसके अंदर करता हूँ, तो एक्चुअल जो ट्रिप हुई है वो हुई है दोस्तों 82.89 किलोमीटर की, जो कि काफ़ी बेहतरीन ट्रिप है यार, मज़ा आ गया इसको देख के। इसके अंदर मैक्स स्पीड दिखा रहा है 45 की, जो कि फ्लाईओवर से उतरते वक्त हुई होगी जब हम टॉप स्पीड में थे, मतलब जब फुल चार्ज आना तब टॉप स्पीड इसकी इतनी आ जाती है फ्लाईओवर से उतरते वक्त, लेकिन जो एक्चुअल स्पीड है ना जब फुल चार्ज होती है तब है 40-41 की, और अभी आपने देखा ही था 34-35 तक जो है सही चल जाती है ये। तो 82.89 किलोमीटर की काफ़ी बेहतरीन रेंज हमें मिली है होप लाइफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। मैं आपको एक बार जो है इसका ऑडोमीटर भी दिखा देता हूँ, तो ऑडोमीटर इसके अंदर हुआ है, इसको मैं जो है स्टॉप कर देता हूँ, ऑडोमीटर हुआ है 184 किलोमीटर का। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके ऑडोमीटर की ना, तो जैसा कि आप देखना आपने देखा अभी 184 जो है इसका ऑडोमीटर दिखा रहा था, तो 184 अभी लास्ट में शो कर रहा था, हम रेंज टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं और शुरू में जो है 108 था, तो टोटल इसमें रेंज आई है ऑडोमीटर के हिसाब से आई है 76। लेकिन भैया हमारा जो GPS स्पीडोमीटर है ना वो जो कि गूगल मैप्स के हिसाब से काफ़ी एक्यूरेट है, उसके हिसाब से रेंज आई है 82.89 किलोमीटर की, और लगातार हमने इसे चलाया है 2 घंटे 28 मिनट 15 सेकंड। तो भैया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे ऐसे ही किसी बढ़िया से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।